ठीक है। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है फैमिली ऑफ लाइंस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। सो व्हाट इज देयर, अगर इनिशियली आप एकेडमिक लेवल पे उस चीज को सॉल्व करते हैं तो दो लाइंस की इक्वेशन दी होती है, टू लाइंस आर गिवन। सो L1 इक्वल्स टू जीरो, L2 इक्वल्स टू जीरो, दीज टू लाइंस आर गिवन। लाइक से दिस इज द L1 इक्वल्स टू जीरो इज A1X प्लस B1Y प्लस C1 इक्वल्स टू जीरो, एंड द सेकेंड लाइन इज A2X प्लस B2Y प्लस C2 इक्वल्स टू जीरो, दीज आर द टू लाइन्स गिवन, राइट। तो वो क्वेश्चन इस तरह से क्रिएट करता है, फाइंड आउट द इक्वेशन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स एंड पासिस थ्रू वन गिवन पॉइंट, एक गिवन पॉइंट से भी पास हो और इन दोनों लाइन्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से भी पास हो। तो इसका एक कॉन्सेप्ट है कि इफ यू नो द टू लाइन्स राइट, देन डायरेक्टली यू कैन राइट द फैमिली ऑफ लाइन्स। फैमिली ऑफ लाइन्स मीन्स ये यहाँ पे इन दोनों लाइन्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जाने वाली देर कैन बी इनफाइनाइट लाइन्स राइट, एंड इट मेक्स द फैमिली ऑफ लाइन्स। वाई ये वर्ड क्यों यूज किया है, बिकॉज दीज टू लाइन्स आर कॉल्ड द पेरेंटल लाइन्स, दीज आर द टू पेरेंट्स लाइक है। सो दीज टू लाइन्स आर पेरेंटल लाइन्स और इन्हीं दो लाइन्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जितनी भी लाइन जाएंगी तो उनको डायरेक्टली एक हम फॉर्मेट में लिखते हैं, उसको बोलते हैं फैमिली ऑफ लाइन्स। और फैमिली ऑफ लाइन्स में जो कोई कंडीशन वो लगाता है तो उसको हम लिख देते हैं, ठीक है ना। वैसे अगर आप एकेडमिक लेवल पे सेम क्वेश्चन आता है तो आप इसको क्या करते हैं, दोनों लाइन्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। क्वेश्चन ये देगा कि फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज पासिंग थ्रू वन गिवन पॉइंट एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स। तो हम दोनों लाइन्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, एक पॉइंट हमें ये मिल जाएगा और दूसरा पॉइंट गिवन होगा, तो टू पॉइंट फॉर्म से हम लाइन की इक्वेशन लिख देंगे। तो वो उस तरह का वर्क एकेडमिक लेवल में करेंगे, लेकिन अगर कॉम्पिटिशन लेवल में डायरेक्ट उसको वर्कआउट करना है तो दिस इज कॉल्ड द फैमिली ऑफ लाइन्स। वो क्रिएट करते हैं इन दो लाइन्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जाने वाली देयर कैन बी इनफाइनाइट लाइन्स। ये लाइन पास हो रही है, दिस लाइन इज पासिंग, एंड दीज टू लाइन्स जो कि हमने डार्क बनाई है दीज आर कॉल्ड द पेरेंटल लाइन्स, और ये उन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। इस तरह से इसको लिखा जाता है, दीज टू लाइन्स, एंड देयर कैन बी इनफाइनाइट लाइन्स राइट। सो इट रिप्रेजेंट्स द जनरल इक्वेशन ऑफ इनफाइनाइट लाइन्स विच आर पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स राइट। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स L1 equals to 0 and L2 equals to 0 is given by L1 plus lambda times of L2 equals to 0. और इस केस में L1 जो होगा इस तरह से होगा, where L1 equals to 0 जो लाइन होगी, दिस इज द लाइन A1X प्लस B1Y प्लस C1 equals to 0, L2 equals to 0 लाइन होगी आपकी, this is like this, A2X प्लस B2Y प्लस C2 equals to 0, ये सेकेंड लाइन होगी, एंड दिस स्ट्रक्चर राइटिंग इन दिस वे वेयर लैम्डा इज रियल, लैम्डा बिलोंग्स टू सम रियल नंबर और वो हमें निकालना होता है, दिस इज द कॉन्स्टेंट वैल्यू राइट, लैम्डा बिलोंग्स टू रियल एंड कॉन्स्टेंट, वो हम उसको रखते हैं, दैट वी हैव टू फाइंड आउट, इट इज कॉल्ड फैमिली ऑफ लाइन, दिस पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज द फैमिली ऑफ लाइन्स, दिस इंक्लूडिंग फैमिली ऑफ लाइन। जैसे ही हम लैम्डा की वैल्यू चेंज करेंगे तो जितनी भी डॉटेड लाइन्स हैं इनकी पॉसिबिलिटी बनती है इसमें, लेकिन इसके साथ में अगर वो कोई कंडीशन बना दे कि ये पर्टिकुलर जो फैमिली ऑफ लाइन है, फैमिली ऑफ लाइन का जो भी लाइन है वो इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास होती हो, तो फिर हमारे लिए स्पेसिफिक हो जाता है कि ये पर्टिकुलर लाइन को हम वो लिखेंगे, ठीक है ना। तो इस फैमिली ऑफ लाइन में से भी कौन सी मेंबर हमारी रिक्वायर्ड लाइन बनेगी वो
वो निकालने के लिए एक पॉइंट देता है, स्पेशली बोलता है कि जैसे सपोज करो आप वो चाहता है कि यही वाली लाइन निकले, तो फिर साथ में ये बोलेगा फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन्स एंड पासिस थ्रू द पॉइंट एक्स वन वाई वन। तो एक्स वन वाई वन से पास होगी तो स्पेसिफिकली ये वाली लाइन आएगी, तो इसके लिए हम क्या करते हैं इसमें ये इसको पुट कर देते हैं, देन यू हैव टू पुट एक्स वन वाई वन पॉइंट इन इक्वेशन वन, लेट से दिस इज द इक्वेशन वन, इन इक्वेशन वन टू गेट लैम्डा एंड बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ लैम्डा, वैल्यू ऑफ लैम्डा वी कैन गेट रिक्वायर्ड लाइन, वी कैन गेट द रिक्वायर्ड लाइन। तो हमें इस तरह से रिक्वायर्ड लाइन मिल जाएगी, वो एक पॉइंट देगा स्पेशली, तो वो लाइन जो है ये एक्स वन वाई वन पॉइंट इन दोनों लाइन्स में प्लेस करेंगे, यहाँ लैम्डा निकलेगा और उस लैम्डा को प्लेस करते हुए उसको पूरा रीसेट कर देंगे, सो यू विल गेट द लाइन। अब देखिए डायरेक्ट इस पर एग्जाम्पल देख लेते हैं।